हम सनो आज आलम आप सबके सामने लाए हैं स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस। स्पीड क्या होती है सबसे पहले जान जाए। स्पीड वो होती है, जैसे एग्जांपल ले लिए, जैसे एक बस है उसको यात्रा कर रहे हैं, उसमें सब लोग जा रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर जाने में उन लोग को 10 किलोमीटर लगते हैं। 10 किलोमीटर पर आवर 10 किलोमीटर पर आवर मतलब कि 1 घंटे में 10 किलोमीटर लगते हैं। 1 किलोमीटर में 10 किलोमीटर तय कर लेते हैं लोग। ये होती स्पीड, मतलब कि जितनी किलोमीटर चलेगा, जितनी स्पीड से चलेगा वो होती है स्पीड। किलोमीटर 10 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है और 1 घंटे में चल रहा है, वो होगी स्पीड। स्पीड इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि स्पीड के पास मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं होता है, इसीलिए स्पीड स्केलर। वेलोसिटी क्या होती है, जैसे हम लोग बताए थे स्पीड क्या होती है। जैसे एक बस जा रही है यात्रा पे सब लोग को लेकर जम्मू एंड कश्मीर, उसको जाने में 10 किलोमीटर लगते हैं। 10 किलोमीटर पर आवर 10 किलोमीटर पर आवर लगते हैं। और किस साइड जा रही है, नॉर्थ साइड जा रही है, इस साइड जा रही है, वेस्ट साइड जा रही है, नॉर्थ साइड जा रही है, नॉर्थ साइड जा रही है। ये होती है वेलोसिटी, मतलब कि इसके पास डायरेक्शन होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है, वो वेलोसिटी होती है। वेलोसिटी इसके बाद डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, वो होती है वेक्टर क्वांटिटी वेलोसिटी होती है, और स्केलर क्वांटिटी स्पीड होती है।